आज हम बनाएंगे सिंपल सा सैंडविच। इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए होगा, हमें आलू चाहिए होगा। आलू उबाल के मैश करके रख लिया है। एक हमने प्याज काटा है, 3-4 हरी मिर्च काटा है। हमारा कढ़ाई गर्म हो रहा है, इसमें हम थोड़ी सी तेल डालेंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे हम इसमें। तेल हमारा गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। दोस्तों तेल हमारा गर्म होगा अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा हमारा चटकने के बाद इसमें हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद इसी में हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। अपना आलू डाल देंगे इसको, अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको हम बराबर मैश करेंगे, सारी चीजें एक साथ मेल्ट हो जाए। आलू हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ब्रेड लेंगे, उसमें हम आलू लगाएंगे। ऐसे हम चारों तरफ एक बराबर आलू लगा लेंगे। साथ हम दूसरा ब्रेड भी लगा लेंगे। अब इस ऐसे पहले सारे ब्रेड हम तैयार कर लेंगे। दोस्तों हम इसी के साथ इसमें दोनों तरफ से ऐसे बटर लगा देंगे। इधर भी हम बटर अच्छे से लगाएंगे। अब इसको हमारा तवा गर्म हो गया, इस पर हम सेकेंगे। नॉन स्टिक पैन पे भी आप सेक सकते हैं, वैसे हमने नॉर्मल तवा लिया है, इस पे भी बढ़िया सिक जाता है। हम दूसरी तवा से सेकेंगे। देखिए एकदम लाल लाल हमारा ब्रेड सिका है। हमारा देखिए सैंडविच सिक के तैयार हो चुका है। अब इसको हम प्लेटिंग करेंगे। क्या सादा सिंपल सा सैंडविच हर कोई बना सकता है। अभी अपने घर पर बनाइए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, बाय बाय।